भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा बीडीसी चेयरमैन दिलीप कुमार, म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के चेयरमैन सतपाल पप्पी तथा सरपंच ओंकार सिंह ने जानकारी दी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 14 जून को जम्मू में भाजपा की वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। बताया मोदी सरकार की सालगिरह पर एक महीने तक मनाए जाने वाले कार्यक्रम के तहत राजनाथ सिंह जम्मू में भाजपा कार्यकर्ताओं व नेताओं को वर्चुअल रैली के माध्यम से संबोधित कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां व भविष्य के कार्यक्रमों में बताएंगे। मैं ओंकार सिंह बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हूं और मैं सभी जम्मू वालों को अपील करता हूं, जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी जो 14 तारीख को रैली करने जा रहे हैं और हमारे खास करके जम्मू में हमारे जो बॉर्डर पर लोग हैं उनके लिए जितने भी उन्होंने काम किए हैं और हमारे नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जिन्होंने 6 साल में अपने कार्य पूरा किया है और हमारे बॉर्डर के लोगों के लिए मोर्चे बनाए और हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खाते में 2,000 रुपया भेजा और पेंशन बुढ़ापे की जो है सभी बुजुर्गों को मिली और भी जितने हमारे काम अभी लॉकडाउन की वजह से हमारे सभी गरीब आदमी को राशन 2-2 महीने का फ्री दिया और उसमें दाल चावल वो सब कुछ ये दिया, गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा मदद की। इसीलिए मैं सभी साथियों को अपील करता हूँ कि 14 तारीख को जे अपनी टीवी से किसी भी तरीके से जे अपनी इनकी बातें जो हैं वो राजनाथ सिंह की सुने और आपको सभी को समझ आए कि नरेंद्र भाई मोदी ने 6 साल में कितने काम किए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने बॉर्डर के लोगों के काम किए हैं और किसानों के लिए काम किए हैं। जय हिंद, जय भारत। चेयरमैन दिलीप कुमार ब्लॉक मीरा साहब, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 14 तारीख को जनसंपर्क अभियान एक वर्चुअल रैली जो जम्मू में होने जा रही है, जिसमें हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे रक्षा मंत्री राजा सिंह जी मुख्य वक्ता होने के नाते उसमें हिस्सा ले रहे हैं। मैं तमाम अपने ब्लॉक के, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के और अपने जम्मू यूटी के लोगों को, जेएनके यूटी के लोगों को ये अनुरोध करता हूँ इस वर्चुअल रैली में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ इन लोगों को, बाकी लोगों को इन्वॉल्व करें ताकि उनकी जो रैली है ये कम से कम 15 लाख जम्मू के लोग इसको सुने और उनकी बातों पे अमल करें, ताकि जिस तरह से देश इस कोरोना से लड़ रहा है और अपनी अर्थव्यवस्था ठीक करने के लिए आत्मनिर्भर का जो एक अभियान प्रधानमंत्री जी ने छेड़ा हुआ है, हम सब मिलकर उसमें हिस्सा लें और अपने देश को की तरक्की के लिए अपना हाथ बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। 14 जून को देश के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी की वर्चुअल रैली है, उसमें जम्मू कश्मीर के और ख़ासकर जम्मू पुंछ जो पार्लियामेंट हल्का है हमारा, उसके जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी ने बिल्कुल पूरी तैयारी करके रखी है। अपने अपने मोबाइल के अंदर उन्होंने व्हाट्सएप बना के रखे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किए हैं। एक एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 100-100 से ज़्यादा लोगों का जो फ़ोन नंबर है, मोबाइल है, वो ज्वाइन किए हैं। तो 14 जून को राजनाथ सिंह जी देश की जो पिछले 6 साल हैं मोदी जी के कार्य के, उसकी उपलब्धियों पर वो कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसी तरह देश के अंदर अलग अलग जगह पर कार्यकर्ता को संबोधित कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में हमारे जम्मू पुंछ पार्लियामेंट हल्का में माननीय श्री राजनाथ सिंह जी संबोधित करेंगे। तो हम अपने सभी कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनसे ये अपील प्रार्थना करते हैं कि वो अपने फ़ोन द्वारा उस रैली से जुड़े और माननीय राजनाथ जी सिंह के विचार सुने।